दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में मंगलवार को छात्र प्रत्याशी गुट द्वारा शिक्षक के साथ किए गए दुर्व्यवहार और दो छात्र प्रत्याशी गुट में हुई मारपीट के मामले की गंभीरता को देखते हुए कुलपति विजय कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को विश्वविद्यालय सलाहकार समिति की आवश्यक बैठक बुलाई गई। बैठक में दिन में हुए गतिविधियों पर चर्चा की गई, जिसके बाद समिति ने छात्र संघ चुनाव स्थगित करने का निर्णय पर मुहर लगाया। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए चुनाव अधिकारी ओपी पांडे ने कहा, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव 13 तारीख को संपन्न होना था। आज वातावरण में, विश्वविद्यालय के वातावरण में अचानक कुछ हिंसात्मक छात्रों ने रुख अपना लिया। मैं छात्र नहीं कहूँगा, कुछ बाहरी तत्व आ गए और जिसके वजह से लिंग दो कमेटी की पूरी धज्जियाँ उड़ रही थी। ऐसे अशांत वातावरण में विश्वविद्यालय के लिए ये अहम था कि इस पर विचार करें कि कैसे चुनाव हो। शिक्षकों के साथ मारपीट किए, जिसके बारे में कैंट थाने में रिपोर्ट दी गई है। इसलिए विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की सलाहकार समिति की आज बैठक संपन्न हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि 13 तारीख को निर्धारित छात्र संघ चुनाव स्थगित किया जाए, अतएव 13 तारीख को चुनाव नहीं हो रहा है। सर, इसके बाद भी कुछ चुनाव को लेकर? अब ये तो अभी तुरंत का वातावरण अशांत है, तो ऐसे में निर्णय लिया गया है। अब फिर विश्वविद्यालय को आगे निर्णय लेना होगा कि क्या करना है, इसके बारे में विश्वविद्यालय आगे निर्णय लेगा। आज की तत्काल में विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव सलाहकार समिति ने बहुत गहन मंथन के बाद ये किया है। यद्यपि ये दुखद है, लेकिन ये निर्णय लेना पड़ा क्योंकि वातावरण अशांत है, जिसमें शिक्षक कर्मचारी सभी असुरक्षित महसूस कर रहे थे, तो 13 तारीख को चुनाव नहीं हो रहा है। सर, विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव लिंग दो कमेटी के अनुसार है और लिंग दो कमेटी के अनुसार सबको शांति से चुनाव कराना होगा। सब अगर अशांत वातावरण होगा तो लिंग दो कमेटी में ये भी रिकमेंडेशन है कि ऐसी परिस्थिति में कोई अनिवार्य नहीं है चुनाव कराना।